तो भाई आज के इस व्लॉग में ना हम लोग जा रहे हैं एक रिजॉर्ट में जा रहे हैं। ये रात का खूबसूरत नजारा है यहाँ पर, ये देखें तमाम थंबों में से लाइट निकलने लगी, एकदम पेड़ों में से बल्ब भी उग गई। तो थोड़ा सा अपना ये जो हमने रूम लिया है उसका रिव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे LED वगैरह है और ये है हमारा डबल बेड है, दिखाने तो फिर खोल के। अरे अरे वहाँ कुछ भी नहीं है, पानी है, पानी है, मीठा पानी होगा, ये नमकीन पानी है। ये देखें गाइस, शकला का बूम बूम की जो पेंसिल आती थी ना, तो वो पेंसिल थी मेरे पास, उससे मैंने गुलाब बनाया था। देखो गुलाब बाहर को भी आ गया। अब इसी तरह से मैं हीरोइन का फोटो बनाऊंगा किसी अपनी फेवरेट। गाइस ये मैंने बनाया है अपने फॉलोअर्स के लिए और इतना खूबसूरत बनाया है। उधर दिखाओ, अब इधर दिखाओ, ये मेडल मुझे दिया गया है ऊपर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, स्वागत है भाई आपका आज के इस न्यू ब्लॉग में और मेरे YouTube चैनल अब्दुल्ला रजा ब्लॉग्स में। तो भाई आज के इस ब्लॉग में ना हम लोग जा रहे हैं एक रिजॉर्ट में जा रहे हैं और उसका नाम है द फोर्ट। और साथ में हमारे हैं जुनैद है और अनस है और माज है। तो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, मतलब मौसम जो है आज का बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है। तो इसी वजह से हमने सोचा कि आज चलो कहीं पर होकर आए। और साथ में हमारे जो हैं और भी लोग हैं जो कि आपको वहाँ पर मिलेंगे, हैं जुनैद भाई। आज इस मौसम में कुछ हसीन दास्तानें लिखी है। हसीन दास्तानें की जगह पे हसीन को जोरी हो जाए हैं। अभी शादी भी नहीं हुई भाई हमारी, मेरी हुई आपकी तो कार्य प्रगति में है तुम्हारा, हमारा तो यहाँ पे कार्य स्टार्ट ही नहीं हुआ, तुम्हारा कार्य प्रगति वाला है, जो सिविल लाइन वाला चल लिया, 5 साल हो गए कामयाबी नहीं हो रही। तुम्हारा कार्य बिल्कुल वो है, मतलब सरकारी काम जैसा है, टेंडर कभी कहीं पास हो जाता है, टेंडर कभी कहीं पास होता है, हमारे पास नहीं आ पा रहा टेंडर। तो आप प्राइवेट को देते ना ये काम, प्राइवेट संस्था में कराते हैं, आपने सरकारी में रख दिया, यही करना पड़ेगा भाई मुझे। प्राइवेट संस्था तुम्हें बता कौन सी वाली प्लानिंग है भाई की तुम्हारा। कट कट, मौसम देख रहे हैं कितना हसीन हो रहा है ना, ऐसे मौसम में बस ये मन करता है कि अपनी गाड़ी हो, अपनी बीवी हो, हाय हाय, सफर हो, पर क्या हमारी किस्मत का है, गाड़ी चलाने दोगे, सुकून से नहीं हो भाई, आप गाड़ी पे ध्यान दो भाई, आप ख्याल मत करो, तो बर्फ चलाने वाली बात, ये तो यूवर को बर्फ हो रहा है, स्टेरिंग ऐसी इधर खो जाओ, चलाने वाली बात करो भाई, वाली बातें मत करो, ये हमारी जिंदगी इनके हाथ में है भाई साहब। मैं बीवी बन जाऊंगा, कोई मसला नहीं, बुरखा पहनूंगा, तुम टेंशन मत लो ऐसे, हमें अगर तुम मास को कहते हो सकता था, आज मौसम बहुत अच्छा तो फिर गाड़ी टन लेके कहीं और चले मास भाई, मास बेगम को ना, मास बेगम, हाँ आप सही है, मास बेगम चले गुरुद्वार की तरफ, तुम इन्हें कह दो हाँ जी बोलिए ना, क्या कह रहे हैं आप, हाजी कहिए, अजी सुनते हैं। मौसम देखें भाई, मौसम बड़ा गजब का हो रहा है। तो भाई ये आ चुके हैं हम रिजोर्ट में जिसका नाम द फोर्ट है, बाकी अभी अंदर से दिखाते हैं, अभी यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, चलाओ इस तोप में रख के जो है, अब ये तोप का कलर तो यासर से मिलता है, तो चलो आओ अंदर आ जाओ, वो डालूंगा चलो, तो भाई अब किले में आ चुके हैं अंदर, और ये किला बनवाया किसने था, ये कौन से महाराजा ने बनवाया, फतेह करने जा रहे हैं ये महाराज जी, वो खड़े हम इनकी सेनापति में हैं, हम इनकी सेना में पति में नहीं है। जुनैद भाई आप तो इसी इरादे से आए थे, घर से नहाया नहीं था, आप भूल गए यहीं पर नहाए ना, मेरी कैबरी तो उसमें कार में रह गई, तो निकाल लेंगे चलो। ये वॉशरूम है गाइस सिंगल बंदे का, लेकिन यहाँ पे 4 बंदे हैं इस वक्त, और अरे क्या हाल है ना भाई, क्या देखो मैं वॉशरूम दिखाऊं क्या, अनंत भाई काम गए। तो गाइस देखें अब हम आ चुके हैं रिजोर्ट के अंदर, और देखें हमारी शर्ट कैसे चेंज हो गई, रिजोर्ट के अंदर आती हमारी शर्ट चेंज हो गई, और इनकी शर्ट जो है पुरानी हो गई, हमने इनको शर्ट दे दी और इनकी शर्ट हमने ले ली, ये हुआ ग्रीन वाली कांगे जो हमारे ऊपर थी उस टाइम, वो हमने ये वाली ली उसको दे दी
अदला बदली चलती रहती है, कभी ये कभी वो, कभी मैं कभी वो, बदलते रहता है, उलट पुलट चलता है। अच्छा या, कभी मैं कभी वो, कभी मैं कभी वो, कभी मैं कभी। अभी जो है किसकी मीटिंग होने, वो दाऊद भाई की स्पीच है अभी है जी। अनस का सबसे आगे पहुंचा हुआ, सबसे आगे, भीड़ में दिखेगा भी नहीं वो। सबसे आगे घुस गया, मतलब वेटर ने आगे कहा तो चालू हो गया, उन्होंने हमसे नहीं बोला तो आ जाओ, वो खुद चला गया, प्लेट उठाओ, भागो भागो वैसे करके। हां तो रुको दिखाओ क्या क्या है, क्या क्या है, भापे तो ऐसे आ रहे भाई, तो बड़ा खंडर होगा, दिखाना तो फिर खोल के। अरे अरे वहां कुछ भी नहीं है, पानी है, पानी है, मीठा पानी होगा, ये नमकीन पानी है। ओ माय, ये सऊदी का पानी है। और चटपटा पानी किधर है? चटपटा इसमें। अच्छा अच्छा, ये वाला चटपटा दही बोल रहा। और मीठा सालन किधर है? अच्छा मीठा तो है सालन। अच्छा कौन 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 सा है? ये वाला, ये वाला। सब एक दूसरे को परेशान कर रहा। दोनों सेम ही चीज है। ये स्नैक्स हैं जो हमने लिए हैं, जिसमें ये मिर्ची वाले हैं और ये हाँ ओके। जुनैद भाई ने कुछ सरिये वाला पनीर का है। अच्छा अच्छा, आपने इतना भर के आप खाना नहीं खा खाए थे क्या? खाना नहीं खाया, मैं बहुत जल्दी मैं भी नहीं खा के आया था खाना, खाना वो अनिल भाई तो बात भी नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम, जवाब तो दे दो। खाना खाते हुए जवाब नहीं देते, खाना नहीं। तो भाई ये है किले का रिसेप्शन है, इसमें रिसेप्शन है और ये एक बिल्डिंग है जिसमें इसके अंदर जो है ऑडिटोरियम है और उसके अंदर जाके जो है पीछे सब रूम्स वगैरह हैं। मैंने पूछा, मैं पूछ ही नहीं रिया। इसके अंदर अभी हम पन्ना है अंग्रेज है, यहाँ को आवाज सुन, जरा आवाज सुनिया को खाली ट्रे लेके जा, इसके मुंह पर को प्रेशर छोड़ दिया। बानिस को मार, तो नीचे चला दूंगा। अब रेंद्र 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 अब छुट रिया पानी निकल लिया, पानी निकल लिया रेंद्र, बहुत स्पीड से निकलेगा। हाँ नहीं तो हाँ बन ये तो सीने में छेद करवा देगा, बोले सीने में छेद वो नहीं कर पाई, पहले से तो टूटा हुआ था, छेद भी हो जाएगा। वो चला दे चला दे, मास चला दे। आ जा बेटा आ जा, अब बोलेगा बीच में, अभी बोलेगा। हमारे साइन है इसमें, बताइए कौन से बेस्ट है। लाओ अपने भाई का साइन दिखाओ। साइन है कीड़े मकोड़े खाने, ये साइन है। इस साइन से आप हमारी चेकबुक से करोड़ों रुपए तक की रकम निकाल सकते हैं कोटक बैंक में जाकर। कोटक बैंक ब्रांच कौन सी है? ब्रांच है पीलीकोट, इसी लाइन में। ठीक है, क्या है ये है कीड़े मकोड़े, देखो समझ में आ रही है कुछ भी? क्या था अनवर? अच्छा अनवर भाई के लौंडे हो आप? नहीं, पेंशन हर टाइम बाद हाथ में पकड़ी, वाइटनर पकड़ते हो ना तुम? ये है मेरा नाम उर्दू में अब्दुल्ला। हमारे एक साथी और आ चुके हैं आकिब भाई, थोड़ा ऊपर की शक्ल तो दिखा दो आकिब भाई, हाथ मिलाना एक बार ब्लॉग में, और मिलाना होता एक बार अलग से एक बार ब्लॉग में। क्या लिख रहे हैं आप, ये लव लेटर है क्या? जी सर, मीथर की तरफ से। माज मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, काश माज तुम लड़की होते। माज कौन है? क्या लिखा, पढ़ के तो बताओ ना। माज मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, काश तुम लड़की होती। मैं तुम्हारे मम्मी पापा को मना ही लेता अगर तुम मेरा साथ देती। काश तुम लड़की होती, मैं तुम्हें इतना प्यार करता जितना तुम्हें दुनिया में किसी ने नहीं चाह होता। मेरी जान माज, आई लव यू। दोबारा क्या ना, एक बार आखिरी बार
क्या आखिरी वाली लाइन दोबारा करना? मेरी जान माज आई लव यू। अगर ये दुनिया ये समाज एक्सेप्ट करे तो मैं इनका रिश्ता लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा मेरे रिश्ता, मैं साथ दूंगा तुम्हारा। माज भाई दो अल्फाज। मैं मास्क के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। अपने 4 करोड़ का एम्पॉय। हाँ, अपने 4 करोड़ की जो मेरी संपत्ति है मास्क के नाम कर। ये बाबा फोन पे किससे बात कर रहा है? ये देखो इनकी मीटिंग है, मीटिंग इनकी अपनी मीटिंग्स होती है तो ये बात है। क्लाइंट को मना रहे हैं, क्लाइंट को। तो भाई हम लोग ना आए थे एक सेमिनार में, तो जिसकी सेमिनार की आपने कुछ क्लिप्स वगैरह भी देखी होंगी, और अभी अंदर सेमिनार चल रहा है। हम थोड़ी देर के लिए बाहर आए थे, थोड़ा दिखाता हूँ आपको। ये जो क्या कहते हैं इसे किला, ये किला है, इसको फतेह करते हैं। देखें ये ऊपर के सीन है, थोड़ा बहुत ऊपर से व्यू दिखाता हूँ आपको, ऊपर से कैसा व्यू है। इधर ये लोंडे हमारे फोटो शूट कर रहे हैं। तो ये है नज़ारा ऊपर से। अबे आओ मास, पेड़ डाल के बैठेंगे, बड़ा सुकून मिल लिया। पानी ठंडा बहुत हो रहा इसलिए नहा नहीं रहा। अबे रहने दे, गिरा मत दिए, नहीं तो वैसे आज ईद आया हूँ, ईद के तीसरे दिन घूमने गया था ना। सही है, कोई बात संभालने के लिए तुम हो तो यार। हाँ नहीं साहब, अरे तो मैं कह रहा हूँ तुमने पैसे नहीं दिए क्या? तो तुम भी जाके नहा लो ना। ये दूसरी बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग पे हमारे लोंडे कहाँ? अरे वहाँ पर हैं, फोटो क्लिक कर रहे हैं। अरे वो कहाँ गया अनस? अनस को बच्चे पकड़ के ले जाएंगे, आई मीन बच्चे पकड़ने वाले ले जाएंगे, ले गए। उसके अंदर तो कुछ है भी नहीं, उसके अंदर बहुत कुछ है मैंने मालूम। उसके अंदर सोफे बनाने की कला है। नहीं कला तो है मगर ये क्या कर रहे हैं आप सर? ये मशाल निकाल के लेके भाग रहा हूँ। नहीं 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 टूट जाएगी। अच्छा अरे मशाल से कुछ याद आ रहा है, बचपन में एक गेम होता था मशाल वाला, कंप्यूटर था बचपन में। बचपन में तो घोड़ी सत्तर भी बहुत खेला। बाहर को ना आ जाए और तुम्हें ना ले जाए अंदर रूम सर्विस के नाम पे। आइए ऊपर दिखाता हूँ। बहुत सारे गेम खेले, घोड़ी सत्तर भी तो गेम होता था वो, आपने खेला कभी? नहीं, घोड़ी 72 कहते थे उसे, घोड़ी 70 खेला हमने। अच्छा आपने खेला सर? भाई भाई इसे मत ट्राई करना, ये एक बार खुल जाता है स्टार्ट हो जाता है तो रुकता नहीं है। नहीं नहीं, ये रात का खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। ये देखें तमाम थंबों में से लाइट निकलने लगी एकदम। पेड़ों में से बल्ब भी उग गई। अच्छा जुगनू है, जुगनू वो है वो जो दीवारों पे है। ये कुदरती जुगनू और इंसान के जुगनू। कहाँ है जुगनू इंसान? ये छोटे वाले, ये जो ये जो बंदर बनना है इस वक्त। आप और बढ़ रहे हैं और जुनैद भाई का नंबर आने वाला है अभी। है जुनैद भाई हमारे रैंक सीनियर मैनेजर है, मैनेजर है, मैनेजर। मैं अपना बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा दाऊद सर का और अपने सीनियर रजा सर का। थैंक यू गाइस, ये मैंने बनाया है अपने फॉलोअर्स के लिए और इतना खूबसूरत बनाया है। उधर दिखाओ, अब इधर दिखाओ। ये मेडल मुझे दिया गया है, मैं मना कर रहा था कि नहीं नहीं, पर उन्होंने ज़बरदस्ती दे दिया क्योंकि ये इतना खूबसूरत बना है। और ये कह रहे हैं कि ये वेलकम 3 बनेगी इनके ऊपर।
कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। कैसा लगा? कैसी है बताओ? बढ़िया। बढ़िया है। क्या कर रहा हो? देख लो, अगर भाभी भाभी को दे दियो या हमारी होने वाली भाभी जो है अम्मी लांगी। चावल निकालेंगे आप और पनीर लबाब दार है, बहुत टेस्टी होगा। निकालेंगे ना भाई, ठीक है ना भाई? अरे भाई दाल मखाने का तो डोंगे लौट गए, पूरा डोंगा लौट दूंगा दाल मखाने का। वो भी निकालेंगे, रोटी और पूरी निकालेंगे। मिशन गिली गिली मतलब भूख लग रही है बहुत तेज की। हाँ भाई साहब खा लो, मैं कब मना कर रही हूँ। मिशन सक्सेसफुल है। गिली गिली मतलब भूख लग रही है बहुत तेज की। हाँ भाई साहब खा लो, मैं कब मना कर रही हूँ। मिशन सक्सेसफुल है भाई साहब। अब जो है बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, पहले खाना खाएंगे फिर बाद में बात करेंगे। ये देखें गाइस, शकल का बूम बूम की जो पेंसिल आती थी ना, तो वो पेंसिल थी मेरे पास, उससे मैंने गुलाब बनाया था। देखो गुलाब बाहर को भी आ गया है भाई। हाँ। अब इसी तरह से मैं हीरोइन का फोटो बनाऊंगा किसी अपनी फेवरेट वो भी आ जाएगी। गाइस ये रूम है, देखो जो हमने लिया था सर्विस देगी इसके। तो सर्विस यार जाहिर सी बात है, अब हम यहाँ पे ये करेंगे, डू नॉट डिस्टर्ब, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे, फिर भी कर देंगे। लो भाई लो, ये आ गया हमारा गुलाब का फूल, ये डाल दिया हमने ऐसे करके। तो आपको थोड़ा सा अपना ये जो हमने रूम लिया है उसका रिव्यू दे देता हूँ। हटियो जरा, ये यहाँ पे LED वगैरह है और ये है हमारा डबल बेड है। और ये गुलाब के फूल किसने लाए हैं आप ये बता दीजिए। अरे ये हमें मिले हैं, हमने देखो मिले नहीं, हमारे पास शकल का बूम बूम की पेंसिल थी, हमने उससे ड्रॉ करा, उससे गुलाब का फूल बाहर आ गया ये देखें। और उसी से हम एक दिन आपके लिए एक लड़की ड्रॉ करेंगे, वो भी आ जाएगी। क्या है हटना जरा, अरे मशरूम तो दिखा दूं। आइए सर आइए, हम मास्क के साथ हैं। अच्छा अच्छा, ये बाथरूम, ये शीशे वाला, अरे शीशे वाला, नहाओगे तो तुम अब भी नहीं। कैसे घबराने लगा मेरे भैंस के आंखों को मास्क में डाल दिया। ये देखें, ये बाकी मिरर आ गया। बाकी वॉशरूम के बाहर ही जो है वो शीशा है। अरे खोल लाइट, खोल यार, उसके सामने एक ये है मिरर, बाथरूम से निकलते हैं। आदर्श भाई अपनी पर्दा निभाते हुए, और इसमें अब बनाएंगे। हटो यहाँ से, आराम से आराम से बना लियो, यहीं पे रुकेंगे हम। ए यार चल, अरे एक और गुलाब, एक और गुलाब, ये मेरे लिए। अच्छा ये कोई परी छोड़ के गई दिखे आसमान से, ऐसे नहीं ऐसे। ओह माय गॉड, तुम्हारे इशारों पे बस यही नाच सकता, लड़की तो नाचेगी नहीं। चिट्ठी लोगों डरा है, इनके इशारों पे कोई नहीं नाचेगा, लड़की नहीं नाची, ये लड़की के इशारों पे नाची। हाँ जैसे तुम नाचते हो, अल्लाह का शुक्र है यानी कि नाचते हो। हाँ हाँ देख लिया मैंने। तो गाइस हमने ना वहाँ से चेकआउट कर दिया है, मतलब वहाँ के होटल से कुछ वजह थी जिसकी वजह से चेकआउट कर दिया। अब हम जो है दूसरे रिजॉर्ट में जाएंगे जिसमें हमारे साथ यासर भी होगा, बस इसी वजह से, क्योंकि बड़ी कमी महसूस हो रही थी हमारे यासर भाई की। और तुम क्या निकाल कर आए हो वहाँ से? दिखाई दे रहा प्रथा जो है उसको कंटिन्यू कराए, छोटे शैम्पू चुरा के लेकर आए इनके शैम्पू है। दरअसल हम गए थे इस इरादे से, गए थे कि हम सेमिनार ज्वाइन करेंगे और उसके बाद उसी रिजॉर्ट में रुक जाएंगे, पर रिजॉर्ट हमें इतना खास नहीं लगा कि हम रात को रुके, तो हमने वहां से अब जो है चेकआउट कर दिया, हमने मतलब स्टे नहीं करा। अब कोशिश करेंगे, हो सकता है कि कल को जाएं, अगले हफ्ते में या नहीं, अगले हफ्ते में हिसाब नहीं होगा भाई साहब, फिर हमारे काम शुरू हो जाएंगे। हम भाई साहब हम दिहाड़ी पे लग जाएंगे, हमको ये तुम्हारी तरह बिजनेसमैन आदमी थोड़ी है, तुम हो कारोबारी आदमी। तुमने बता रखा वैसे भी हम बिजनेसमैन है, बिजनेस ये बिजनेस वुमेन है, मेन नहीं है जी। अनस भाई ने बोला कि शैम्पू में रख लो, मैंने कहा भाई साहब अगर तुम्हें इतनी तमीज होती तुम रखते नहीं, ये शॉवर जेल है जो तुम्हारे सीने पे काम नहीं कर रहा है, इतने बाल है इसको कहां तक लगाओगे 10 ml को। ए यार अनस भाई देख रहा हूं इनकी बात है, चलो अब तो लिया चलें, खैर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।
मतलब न्यू व्लॉग में, एडवेंचर व्लॉग में। तो इस व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर देना। भाई हल्के चला ले, हल्के टेंपल रन गिफ्ट के लिए आएगा। अनस भाई तुम्हें क्या हो गया?